तो ये था मेरे बालों का रिजल्ट जो कि आपने अभी देखा, और ये देखिए। तो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को लेके हम सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अपनी पिछली ही वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे आप इंडिगो पाउडर का यूज करते हुए हेयर ऑयल बनाकर के तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो हेयर ऑयल है ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि नेचुरल चीज है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, धीरे धीरे आप लगाते रहेंगे तो समय तो लगता ही है। लेकिन तब तक हम अपने बालों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तो बेहतर है कि आप केमिकल कलर लगाएं बजाय कि आप एक नेचुरल कलर का यूज करें। कैसे करना है आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, नेचुरल कलर की अगर हम बात करें तो एक चीज तो हमें बहुत अच्छे से पता है, जो कि है मेहंदी। यानी कि मेहंदी हर कोई पता है कि अच्छे से कलर हो जाता है, लेकिन ब्लैक कलर नहीं हो पाता। तो इसी चीज को और भी अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हैं इंडिगो पाउडर को। जब आप मेहंदी के साथ इंडिगो पाउडर यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने खुद से अप्लाई किया है और लिटरली इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग आता है। तो कैसे इसको तैयार करना है, क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है, और कुछ चीजों का हमें खास ख्याल रखना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पाउडर बनाकर के तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 चम्मच कलौंजी, और सेम अमाउंट में हमें लेनी है मेथी। 20-25 आपको लौंग लेनी है। इनको ड्राई रोस्ट करके तवे पर, ताकि मॉइस्चर निकल जाए, और इनका बना करके आपको पाउडर बना के तैयार कर लेना है मिक्सी जार में। तो देखिए, ये जो चीज़ें मैंने ली है ना, सबसे पहले तो कलौंजी आपके बालों को काला और घना करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही मेथी जो है ये भी आपके बालों की क्यूटिकल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, और लौंग आपके बालों को घना करने में बहुत ज्यादा मददगार है। तो ये पाउडर हमेशा बना करके रखिए। आप इसका ऑयल बना सकते हैं, आप इसको मेहंदी में लगा सकते हैं, फिर चाहे आप इसको किसी भी हेयर मास्क के तरीके से लगा सकते हैं। तो हमेशा इसको रखना ही रखना है। अब यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है मेहंदी लगाने के लिए। देखिए, लोहे की कढ़ाई का अपना ही अलग फायदा होता है, इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। तो मेहंदी जब इसमें हम बना करके तैयार करते हैं तो मेहंदी काली हो जाती है, जिससे बाल को काला करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी ले ली है, जितने भी आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको मेहंदी लेनी है, यानी कि हिना लेनी है। फिर जो पाउडर हमने बनाया था उसको हमें 3 से 4 चम्मच यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे बीटरूट पाउडर ले रही हूँ। देखिए, बीटरूट पाउडर का ना अपना एक अलग कलर होता है, जो बालों में आकर के बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसको रेगुलर यूज़ करते रहना पड़ेगा, एक बार के यूज़ से आपके बालों में इसका कलर नहीं आएगा। तो मेहंदी में जब आप इसको लगाएंगे ना, तो एक तो ये आपके बालों को टूटने झड़ने से रोकता है, साथ ही आपका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। तो सेम अमाउंट में जितना हमने पाउडर लिया था कलौंजी वाला, उतना ही आपको यहाँ पे बीटरूट पाउडर लेना है। नेचुरल 100% नेचुरल बीटरूट पाउडर है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। इसके बाद हमें यहां पे आंवला पाउडर का यूज करना है, और सेम अमाउंट में यूज करना है। देखिए, मेक श्योर रखें कि आंवला पाउडर ना आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। तो मैं यहां पे ऑर्गेनिक आंवला का पाउडर का यूज कर रही हूं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। मैं इसलिए ये चीज कह रही हूं क्योंकि आंवला पाउडर आपकी हर प्रॉब्लम, यानी कि बालों की हर प्रॉब्लम की एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। तो आंवला हमेशा अच्छा होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद हमें एक पेस्ट बना करके तैयार करना है, जिसके लिए मैं यहां पे एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते डाले हैं और 2 गुलहड़ के फूल डाले हैं। देखिए, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ करी हैं वो सभी आपके बालों में मॉइस्चर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बाल जो मेहंदी लगाने के बाद ड्राई नहीं होने चाहिए, है ना, तो ताकि हमारे बालों में अच्छे से मॉइस्चर बना रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दही का भी यूज़ करना है, लेकिन ज़्यादा दही मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब मैं मेहंदी लगाती हूँ और उसमें मैं दही ऐड करती हूँ तो कलर थोड़ा सा कम आता है, इसलिए मैं दही थोड़ा कम ही यूज कर रही हूं। आपको अगर ठीक लगता है तो आप इससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट बना के मैंने तैयार कर लिया है। इसके साथ साथ हम एक हेयर टॉनिक और बनाने वाले हैं, जो कि हम मेहंदी में ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 गुलहड़ का फूल मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब यहाँ पे चाय पत्ती डाल दीजिए, और 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे हम कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, साथ में हम थोड़ा सा इसमें फ्लक्सीड भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें एक आध चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो चल जाएगी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, तो आप देखेंगे ना जेल जैसा निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्सीड हमने इसके अंदर डाला है। अब आप इसको अच्छे से छान लीजिए। तो हेयर टॉनिक जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब ये दोनों ही जो
पेस्ट हमने बनाए हैं इसे हमें मेहंदी में ऐड कर देना है। देखिए मेहंदी से ये बात ज़रूर है कि बाल जो हैं वो ड्राई होते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी और चाय को मिक्स कर दिया है, और ये दोनों वरदान से कम नहीं है हमारे बालों के लिए, क्योंकि ये आपके बालों को मॉइस्चर देने के साथ साथ बालों में चमक बहुत अच्छी देते हैं, बाल ना हेल्थी हो जाते हैं। तो हमें मेहंदी को कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए कि बाल में कलर भी हो जाए और ड्राइनेस भी ना आए। तो ये आपको छोड़ देना है कम से कम 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद आप क्लिप आप अभी देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि लोही की कढ़ाई में ये मेहंदी रखने पर किस तरीके से ये काली सी हो गई है ना। तो 4 घंटे के बाद अब मैं यहाँ पे इंडिगो पाउडर को ऐड कर रही हूँ, और प्लेन वाटर से, ध्यान रखिए कोई भी ऐसी वैसी चीज़ हमें अब इसमें ऐड नहीं करनी है, केवल प्लेन वाटर का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे इंडिगो पाउडर ऐड कर देना है, और 10 मिनट से 15 मिनट के लिए अब आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि एयर्स के कॉन्टैक्ट में आके ये ऑक्सीडाइज हो जाए, और उसके बाद ना इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आपके बालों में। तो बस 10 मिनट के बाद आप इसे अपने बालों में लगा सकते हैं। तो अब हमें इसे अपने बालों में अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहली चीज, जो कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे बाल तो काले ही हैं, हमें जरूरत नहीं है मेहंदी लगाने की, तो देखिए इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके बालों को नुकसान देगी। हर एक चीज का अपना अलग फायदा है जो कि आपके बालों में एक हेयर मास्क की तरीके से काम करेगा। अगर आप देखो, मैं खुद से ना स्कूल टाइम से मेहंदी लगाती हुई आ रही हूँ अपने बालों में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं लगाना चाहते तो आप मेहंदी को स्किप कर दो, या फिर मेहंदी बहुत थोड़ी सी लगा लो, मतलब 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब आप मेहंदी यूज करो। बाकी जितनी भी चीजें मैंने इसके अंदर ऐड करी है वो सब चीजें आप ऐड करके अपने बालों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की कि आपको बालों में ही कितनी देर तक मेहंदी लगानी है ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले। तो देखिए सबसे अच्छा टाइम तो ये होगा कि आप 4 से 5 घंटे अपने बालों में मेहंदी लगा के रखें, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, किसी को कहीं जाना होता है या 1000 काम है। तो आपको क्या करना, कम से कम 3 घंटे तो अपने बालों में मेहंदी लगा करके रखें ताकि इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको अपने बालों में दिखाई दे। तो 3 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर सकते हैं प्लेन पानी से, सिंपल पानी से वॉश करना है। कुछ भी चीज, एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड नहीं करनी है, शैम्पू भी नहीं करना है। सिंपल ऐसे पानी से वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, जब बाल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो बालों में आपको लगाना है ऑयल। अब ध्यान से सुनो कि ऑयल लगाना कौन सा है। जो मैंने इंडिगो पाउडर से जो हमने ऑयल बनाया था वही ऑयल का आपको यूज करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के लास्ट में अगर देखेंगे तो लिंक आपको वहां पे भी दिखाई देगा। तो आपको बिल्कुल यही ऑयल लगाना है, क्योंकि हम दुगनी तरह से हम लोग इंडिगो पाउडर का यूज कर रहे हैं, उससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आप अपने बालों में शैम्पू का यूज कर सकते हैं, जिससे ऑयल भी निकल जाएगा और जो एक्स्ट्रा मेहंदी आपके बालों में लगी हुई है वो भी निकल जाएगी। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। चलिए मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ बाहर आपको अपना बालों का रिजल्ट दिखाने के लिए। तो ये देखिए, क्योंकि मेरे भी थोड़े से बाल जो है वो व्हाइट होने शुरू हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम है। मुझे उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, लेकिन क्योंकि नीचे के जो बाल है ना बाकी के वो ज्यादा ब्लैक लग रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये था मेरे बालों का रिजल्ट जो कि आपने अभी देखा, और मैं अपने बालों से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि ये यूज करने का, बजाय कि मैं कोई केमिकल कलर का यूज करूं, क्योंकि मैंने उसका भी यूज किया है और उससे ऐसा लगता है कि जैसे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो मैंने वो चीज बिल्कुल स्टॉप कर दी। और मैंने अभी इस इंडिगो पाउडर को यूज करना शुरू किया है मेहंदी के साथ, अमेजिंग रिजल्ट है इसके। देखिए आप अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो हर हफ्ते इसको अप्लाई कीजिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हर 10 दिन में या फिर 15 दिन में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जो मैंने अपने आप ऑब्जर्व किया है वो ये कि अगर आप मेहंदी पहले लगा करके और फिर बाद में इंडिगो पाउडर लगाते हैं, एक दिन बाद इंडिगो पाउडर का यूज करते हैं, तो उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। बजाय कि आप मेहंदी के साथ ही इंडिगो पाउडर का यूज करो तो उसका ज्यादा असर आपके बालों में दिखाई देगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या समझ में आता है कि आप अलग अलग यूज करते हैं, तो प्लीज जैसा भी आप यूज करते हो और कैसा आपको रिजल्ट मिला है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप देखना चाहते हैं इंडिगो पाउडर का हेयर ऑयल कैसे बनाया जाता है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।